नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर अब जिस तरीके का सियासी गणित राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, उससे जो है सत्ता दल पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने खड़े हो गए हैं और बवाल सा यहाँ पर मचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान में पड़ी ईडी की रेड की। गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड पड़ती है और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन जाता है। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन और सड़कों पर उतरती हुई दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सबका ये कहना है कि चुनाव सर पर है, 25 नवंबर को चुनाव है और यहाँ राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो बुरे तरह से, बड़े ही बुरे तरीके से हार रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है रास नहीं आ रहा और इसके चलते यहाँ पर जो है ये ईडी की रेड कराई जा रही है सामने कांग्रेस को खत्म करने के लिए। ऐसे तमाम आरोप यहाँ पर कांग्रेस भाजपा पर लगाती आ रही है, लेकिन भाजपा भी चुप बैठने वालों में से कहा है। भाजपा के ही राजस्थान के एक मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पर गहलोत सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। आपको बता दें, ये जो रेड मारी गई है गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर, वो पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यहाँ पर छापा जो है वो मारा गया और पेपर लीक को लेकर ही गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाते हैं और पूरी सरकार को भ्रष्टाचारी बता देते हैं। क्या कहते हैं वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए जरा। ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ, एक से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उनका भविष्य न केवल अंधकारमय हुआ अपितु सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। उन 70 लाख युवाओं में से निश्चित ही अधिकांश युवा किसी गरीब के बेटे थे, किसी साधारण परिवार के बेटे थे, किसी किसान के बेटे थे, किसी आदिवासी परिवार के बेटे या बेटी थे या किसी दलित परिवार के बेटे या बेटी थे, जिन्होंने पेट काट करके इस आशा के साथ में कि बेटे के द्वारा किए गए परिश्रम के चलते हुए जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी उसके जीवन में एक स्थायित्व आएगा और साथ ही साथ परिवार का सम्मान भी एक बार फिर पुनः स्थापित होगा। इस आशा के साथ में उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया, युवाओं ने भी एक बेहतर भविष्य की अपेक्षा में जिस तरह से रात रात भर जाग करके परिश्रम किया, लेकिन अंततः उसका परिणाम देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो लगातार यहाँ पर गहलोत सरकार पर हमले करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो भी रेड हुई है ये एकदम सही हुई है और कहीं ना कहीं इस रेड में कुछ बड़ा ज़रूर जो है यहाँ पर निकल कर आएगा और सबके सामने साफ हो जाएगा कि जो कांग्रेस है वो कितनी दूध की धुली हुई पार्टी है। पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर ये रेड पड़ी है। उन्होंने कहा कि कम से कम 19 से 20 बार यहाँ पर जो है पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान में, युवाओं का जो भविष्य है वो पूरे तरीके से खतरे में जा चुका है, खाई में जा चुका है और ऐसे में गहलोत सरकार जो है वो अपनी राजनीति की रोटियां सीख रही है और नोट कमा रही है इस पेपर लीक के चलते। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि ये चुनाव के वक्त जब से ईडी का हमला यहां पर होना लगा है तब से यहां पर जो है केंद्र पर जो कई सवाल है वो उठते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।